फ्रेंड्स नमस्ते, आइए आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल कल्पना फूड चैनल में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ ये व्हिप्ड क्रीम जो कि घर की मलाई से मैं बनाई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें और मुझे लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये व्हिप्ड क्रीम बनाना। स्टार्ट करते हैं व्हिप्ड क्रीम बनाना, जिसके लिए मैं ये दूध को अच्छे से बॉईल कर दी थी और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दी थी। तो देखिए, इसके ऊपर एक मलाई सी बैठ गई है। अब इसको मैं क्या करूँगी कि एक छन्नी में निकाल लूँगी। ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए छन्नी है, इसमें मैं ये मलाई निकालती जा रही हूँ। सारी मलाई को मैं निकाल ली हूँ इसमें, ये देखिए सारी मलाई को निकाल ली हूँ। ये दूध को मैं साइड कर दूंगी। अब फ्रेंड्स, इसको क्या करना है ना, ये जो नीचे का जो मतलब ये मिल्क जा रहा है ना, और ये जो मलाई है वो उसी का मुझे व्हिप्ड क्रीम निकालना है। अब तो इसे क्या कीजिए कि 3 दिन की मलाई में भी इकट्ठा करके निकाल सकते हैं। ये देखिए, मैं इसे अच्छे से ये कर दी हूँ, और ये जो मोटा बच गया है इसे मैं हटा दूँगी। इसका आप जैसे क्रीम, फ्रेश क्रीम यूज़ कर लीजिए, या फिर इसका जो आप बनाते हैं घी उसमें यूज़ कर लीजिए। तो इसे मैं साइड करके हटा देती हूँ। ये देखिए, मैं ऊपर का ये पूरा मलाई हटा दी हूँ, इसे भी मैं साइड कर दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी ये मलाई निकली है नीचे से, ये क्रीम जो है। अब इसी का मैं व्हिप क्रीम बना के दिखाऊंगी आपको। उससे पहले मैं क्या करूंगी, इसे अभी 2 घंटे के लिए मैं फ्रिज में छोड़ देती हूँ बिल्कुल ठंडा होने के लिए। और चूंकि मैं हैंड ब्लेंडर से नहीं बना रही हूँ, मैं मिक्सर जार में बना के दिखा रही हूँ आपको। तो जो मिक्सर जार है वो, उसको भी मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। चाहे आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर हैंड ब्लेंडर से करना है आपको तो आप डायरेक्ट अभी मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं ठंडा करने के बाद, या फिर आप विस्क करके अगर करना चाहते हैं तो नीचे आप एक आइस का बड़ा सा बैग रख दीजिए, या फिर आइस का जो प्लेट होता है वो रख दीजिए, उसके ऊपर विस्क कीजिए तो आराम से आपका वो क्रीम निकल जाएगा। तो मैं ब्लेंडर में ये बना रही हूँ, ग्राइंडर में। तो चलिए, उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ, इसको भी ठंडा। इसको मैं ठंडा करने के लिए छोड़ देती हूँ फ्रीजर में, और ये ठंडा हो गया अच्छे से, और इसे भी मैं ठंडा के लिए छोड़ दी थी। तो अब देखिए, इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं इसमें डालूंगी। आप सोच रहे होंगे कि बहुत थोड़ा सा है ये, मगर इतना भी बन जाएगा फ्रेंड्स। आप ज़्यादा करके जमा करके आप बना सकते हैं। देखिए, इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। देखिए, ये थोड़ा सा भी ये हुआ है, गाढ़ा हुआ है, अभी मैं इसे और चलाऊंगी। तो ये देखिए, अब मैं इसको एक स्पून से मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। अब जैसे ये गिर रहा है तो समझिए अभी ये व्हिप क्रीम नहीं बना है, थोड़ा सा मुझे और इसे चलाना है अभी। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको स्पून से भी निकाल के थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये मेरी व्हिप क्रीम जो है, ये देखिए, अब ये थोड़ी सी और हो जाएगी तो एकदम ये प्योर व्हिप क्रीम बन के रेडी हो जाएगी। हैंड ब्लेंडर से कीजिएगा तो बस 3 से 4 मिनट लगता है, थोड़ा इसमें टाइम लग जाता है। देखिए, इसे मैं इस बॉल में मैं फिर से निकाल लेती हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये अच्छे से और भी मतलब ये कर दी हूँ मैं, और ये व्हिप्ड क्रीम बन के रेडी हो गई है। अब इसमें आप जब भी बनाते हैं तो उस टाइम पर आइसिंग और वेनिला की जो ये एसेंस होती है उसको डाल लीजिए। अगर इसे आप ज़्यादा व्हाइट करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा व्हाइट फूड कलर आप डाल के इसे यूज़ कर लीजिए। ये बिल्कुल ये व्हिप्ड क्रीम ही है, ये देखिए इस तरीके से बस। इस और भी मेरे फ्रेंड्स मेरे लेटेस्ट वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें, तब तक के लिए बाय बाय।